आज वो दिन आ गया है और सारी कैसी मांग कर दिया है कि हम सारे बैठे होकर आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया है कि आज सारी बरादरी ने एकजुट होकर तहरीक इंसाफ का नारा तहरीक इंसाफ का अलम बुलंद कर दिया है। और मैं राणा जफर साहब जनरल काउंसलर और अपने मामा जी मोहम्मद यूसुफ साहब जनरल काउंसलर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा मकसद कोई इलेक्शन लड़ना या सियासत करना या कोई और चीज नहीं है। मैं ये सारी मेहनत खान साहब के साथ जाता हूँ, रहता हूँ, उनके सालन के स्कोर के अंदर होता हूँ, अपनी जोर के लिए फैसलाबाद के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं ये सारी चीजें राणा जान साहब सर बड़े चुप करके बैठे हो, राणा जान साहब ने मेरी भरपूर क्लैटेड सारे दोस्त कर रहे लड़ाई कर रही है। मैं ये सारी चीजें कर रहा था सिर्फ किसके लिए कर रहा था, अपने किसी अपने जाति मफाद के लिए नहीं, अपनी सियासत के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के कल के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। और इंशाल्लाह मैं अपने कैंडिडेट राजा रियाज साहब से और महबूब आलम सल्लू साहब से यही उम्मीद करूंगा कि वो हर उस आदमी के साथ खड़े होंगे, हर जगह हर टाइम हर एक के लिए मौजूद होंगे, दिन होगा रात होगी हर एक के लिए वो इंशाल्लाह खड़े होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने 25 जुलाई को तकरीरें जलसे रैलियां सब कुछ कर लिया है जिनकी शमूलियत होनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज भरपूर तरीके से हो भी गई है। हमने 25 तारीख को अपने घरों से निकलना है, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को माओ बहनों को सबको देख जाना है पोलिंग स्टेशन पर और बल्ले पर मोहर लगानी है। और आखिर में बस टाइम मेरे काम है, मैं अपने कैंडिडेट्स को राजा रियाज साहब को और महबूब आलम संधू साहब को एडवांस जीतने की मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इंशाल्लाह। नमाज मगरब करीब है, काइंडली नमाज मगरब तक ही हमारा प्रोग्राम चलेगा, तो काइंडली थोड़ा ना मुकर्रे कम टाइम ले काइंडली। अब मैं जनाब राणा इमरान साहब से दरख्वास्त करूंगा मेडिकल स्टोर वाले कि वो राणा यूसुफ साहब दोनों मौजूद हैं। दोस्तों भाइयों जो उम्मीदवार सब तो बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इन दोनों को ये गुजारिश करना चाहता कि साड़ी बरादरी सी 90% नौ लीग की सी 90% जदों की जिनी इलेक्शन हो रही जो संभाली आ ये मैं कहते हर तरह तब्दीली आई नहीं तब्दीली मैं राणा यूसुफ साहब से दरख्वास्त करूंगा।